मैं मौस पांडे क्लास 10 साइंस के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था क्लास 10 साइंस के लाइव लेसन के इंट्रोडक्शंस के बारे में। उसी इंट्रोडक्शंस को आगे बढ़ाते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। उस वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शंस के पार्ट छूट गए थे जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो और लास्ट में वीडियो के लास्ट में जितने भी इंट्रोडक्शंस हमने पढ़ा उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस का आनंद लें। आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि लाइट क्या होता है। लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं। वहां पर भी देखा था हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। यदि हम देखें स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर। अब बात यह आती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको सबसे पहले डिस्कशन कौन किया था, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन किसने किया था। तो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन एक साइंटिस्ट थे ओले रोमर। उन्होंने बताया कैसे कि उन्होंने जुपिटर और उसके सैटेलाइट ओले की रिलेटिव मोशंस का स्टडी करके उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट्स के बारे में डिस्क्राइब किया। कब डिस्क्राइब किया तो उन्होंने 1676 में ओले रोमर साहब ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट्स के बारे में डिस्कशन किया था। कैसे किया था तो जुपिटर और उसके सैटेलाइट लो के रिलेटिव मोशंस का स्टडी करके उन्होंने डिस्क्राइब किया था स्पीड ऑफ लाइट्स को। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने भी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया और इन्होंने लाइट रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। तो अब बात यह है कि इन्होंने कब कहा, तो इन्होंने कहा था 1865 में। 1865 में इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था। इसके बाद साइंटिस्ट आए आइंस्टीन साहब ने और आइंस्टीन साहब 1905 में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन किया और इन्होंने ही स्पीड ऑफ लाइट्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद ये लास्ट में पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है। ठीक है, यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। तो यहाँ तक स्पीड ऑफ लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सी। आगे हम लेते हैं, यदि हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए स्टडी ऑफ लाइट्स को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अध्ययन को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज द ऑप्टिक्स। हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ लाइट is known as optics। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी ऑफ लाइट्स क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट्स को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। आगे बात करते हैं कि यदि लाइट सन से अर्थ पर आती है तो कितना टाइम लेती है। तो यदि लाइट सन से अर्थ की तरफ आती है उसको समय लगता है आपका कितना, उसको समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। उसको समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। यदि यही लाइट आपका मून से अर्थ पर आती है उसको समय लगता है 1.28 सेकेंड। इसको हम कभी कभी 1.3 सेकेंड भी लिख देते हैं। ये है बात कि सन से अर्थ पर आने वाली लाइट को कितना समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड और मून से अर्थ पर आने वाली लाइट का समय है आपका 1.28 सेकेंड। अब बात आगे करते हैं हम लोग की लाइट ईयर क्या होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे लाइट ईयर के बारे में। तो लाइट ईयर तो लाइट ट्रेवल बाय ट्रेवल, एक साल में ट्रेवल किए गए लाइट को ही हम बोलते हैं लाइट ईयर। हम लिख सकते हैं लाइट ईयर के डिफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यदि हम लाइट ईयर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। इसकी डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप इस डिफिनेशन को लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। आगे देखते हैं कि वन लाइट ईयर में कितना मीटर होता है। यदि देखें हम वन लाइट ईयर में आपका होता है 9.46 × 10⁻¹५ मीटर, 9.46 × 10⁻¹५ मीटर। यदि इसी चीज को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लें तो किलोमीटर में हो जाएगा आपका 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर। ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट ईयर है उसको हम 9.46 × 10⁻¹५ मीटर में चेंज कर सकते हैं और जो किलोमीटर में है 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर वन लाइट ईयर में। डिफिनेशन भी समझ में आगे होगी। आगे बात करते हैं यदि लाइट के रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, यदि लाइट के रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की परछाई बन जाएगी। मान लीजिए किसी सोर्स से लाइट आ रही है, किसी सोर्स से लाइट आ रही है और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है लाइक ए ट्री है। अब इस ट्री का जो शैडो होगा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से यदि लाइट आ रही है, बीच में ट्री है तो ट्री का शैडो यहाँ बन जाएगा। अब इस शैडो के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वह पार्ट होता है जहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है, शैडो का बहुत ही अंधेरा वाला पार्ट, और इस शैडो का बहुत ही ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइट बहुत ही कम होती है, मतलब वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होगा, वो वाला पार्ट आपका बीच वाला पार्ट होगा। और एक पार्ट जहाँ पर अंधेरा बहुत ही कम होगा वह बीच से बाहर वाला पार्ट होगा। इस परछाई के बीचों बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं आपका अम्ब्रा, और जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है उसे कहते हैं हम पेनम्ब्रा। ओके, इस परछाई ये क्या लगता है, ये शैडो है, परछाई। इस पेड़ की क्या है, परछाई। इस परछाई का वह भाग जो सबसे अंधेरा होता है, यानी यह वाला भाग सबसे इसका अंधेरा वाला पार्ट है जिसको हम लोग अम्ब्रा कहते हैं, और यह वाला पार्ट जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं पेनम्ब्रा। यदि हिंदी की बात कर लें इसे बोलते हैं प्रच्छाया, ऐसे बोलते हैं उपछाया, पच्छाया। ये बात है। तो हमने यह देखा कि लाइट्स के रास्ते में यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट का परछाई बन जाता है। उस परछाई के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा, जिसकी हिंदी होती है आपकी परछाया, और उस परछाई का वह पार्ट जहाँ पर कम अंधेरा होता है उसे कहते हैं हम लोग उपछाया यानी पेनम्ब्रा। तो यहाँ तक हमने देखा कि लाइट्स की कुछ इंट्रोडक्शंस क्या है। अब हम लोग आइए इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को देखते हैं। आप लोग उस क्वेरीज को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। में भी ये क्वेश्चन आसानी से हिंदी में भी समझ में आ रहा है और इंग्लिश में भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट में रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के बारे में। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम लोग क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स लेसन्स के पार्ट लेसन्स आएंगे और हम लोग वहाँ पे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।